ये एसी मेन ट्रांसफार्मर है, यहाँ से सप्लाई आ रहा है 36036 20 एम्पियर में। ये हम वोल्टेज नाप के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। छत्तीस वोल्ट एसी। फिर ये डीसी बन रहा है 48 वोल्ट पॉजिटिव, 48 वोल्ट नेगेटिव। ये पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ से ये पॉजिटिव सप्लाई ये लाल तारों से होते हुए इस साइड के ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में आया है। ये दोनों तरफ एक ही ट्रांजिस्टर लगता है 2N3773। तो ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर जैसे ये वोल्टेज आया हुआ है, तो कलेक्टर में हम लोग देखते हैं सेम वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वो वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस तरफ का ट्रांजिस्टर नेगेटिव बायसिंग काम कर रहा है, इस साइड का ट्रांजिस्टर पॉजिटिव बायसिंग काम कर रहा है। तो इस ट्रांजिस्टर के एमिटर में हम लोगों को नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर में एमिटर में नेगेटिव देते हैं, कलेक्टर में पॉजिटिव देते हैं और बेस में बायसिंग वोल्टेज देते हैं। फिर यहाँ से होते हुए इस ट्रांजिस्टर के बेस में सप्लाई आ रहा है यहाँ ड्राइवर बोर्ड से। तो ये ड्राइवर बोर्ड के इस कलेक्टर में भी हमको वही वोल्टेज मिलना चाहिए, हालांकि जो है मिल रहा है, इससे नेगेटिव में भी वही वोल्टेज मिलना चाहिए जो कि मिल रहा है। फिर यहाँ से बायसिंग वोल्टेज, यहाँ से फिर बायसिंग वोल्टेज सीधा जा रहा है दोनों तरफ के ट्रांजिस्टरों में, इस साइड और इस साइड। फिर यहाँ का आउटपुट जो इमीटर से एक तरफ के कलेक्टर से और एक तरफ के इमीटर से आउटपुट होकर जो हमें मिल रहा है, वो सीधा जा रहा है इस लोड रेजिस्टेंस के एक सिरा पे। फिर दूसरे सिरा जा रहा है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में, फिर प्राइमरी को और एक सिरा जो है वो ग्राउंड हो जा रहा है और प्राइमरी में मिल रहा है, और सेकेंडरी में जैसे है कि 4 ओम्स 8 ओम्स 170 वोल्ट जो मिल रहा है वो आउटपुट होकर चला जा रहा है। फिर ये इसमें जो सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल इस शील्डेड वायर के होते हुए सीधा जा रहा है इस बीटी बोर्ड में, इस बीटी बोर्ड में जा रहा है। फिर बीटी बोर्ड से ये सिग्नल यहाँ से निकल कर फिर यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है उन्होंने, करने के बाद यहाँ से सिग्नल फिर ये जा रहा है यहाँ पे और यहाँ से ही ये जो रेगुलेटर बना हुआ है 2N9262 ट्रांजिस्टर से, यहाँ से 23 वोल्ट सप्लाई आ रहा है इस बीटी वोल्ट में। बीटी मतलब बास्टेबल सर्किट में आ रहा है। अब मैं आप लोगों को यहाँ का वोल्टेज दिखाता हूँ, देख लीजिए। सिक्स वोल्ट 49 वोल्ट। इसके कलेक्टर में देखिए 0 वोल्ट, तो कलेक्टर में 0 वोल्ट, इसके इमीटर में 47 वोल्ट, इसके इमीटर में 55 वोल्ट, इसके बेस में 56 वोल्ट, इसके बेस में 48 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियो में और भी कुछ दिखाऊंगा। मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।